ऋषभ पंत का जहां पर हुआ था एक्सीडेंट उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। दोस्तों अभी जाना चाहते हो और अभी देखना चाहते हो लाइव एक्सीडेंट कैसे हुआ ऋषभ पंत का, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों क्रिकेटर ऋषभ पंत इस समय श्रीलंका के खिलाफ होने वाले 3 T20 और 3 ODI मैचों की 2 सीरीज से बाहर हो चुके हैं। ऋषभ पंत का खासा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा साल 2022 के अंदर और अब ऋषभ पंत नई साल मनाने के लिए अपने घर जा रहे थे दिल्ली से देहरादून होते हुए उत्तराखंड। दोस्तों रुड़की वाले मकान पे जा रहे थे और उसी समय रास्ते में अचानक उनको एक झपकी आ जाती है नींद की और दोस्तों उसी समय 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चल रही जा करके सीधा डिवाइडर में जाके टकरा जाती है और फिर कार में आग लग जाती है। दोस्तों ऋषभ पंत को स्थानीय लोगों ने शीशा तोड़ के बचाया, खुद ऋषभ पंत ने इस बात की पुष्टि की है पुलिस के सामने। और दोस्तों आप तस्वीर में साफ देख सकते हो ऋषभ पंत का क्या हाल हुआ है और उनकी कार कैसी है। और दोस्तों ऋषभ पंत जब हॉस्पिटल में थे तो उनको कितनी चोटें आई हैं आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा सामने स्क्रीन पे। और दोस्तों आप देखिए सीसीटीवी फुटेज लाइव कि कैसे हुआ था ऋषभ पंत का एक्सीडेंट और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार थी उस समय हुआ था ऋषभ पंत का एक्सीडेंट। दोस्तों आप भगवान से प्रे करिए ऋषभ पंत जल्द से जल्द ठीक होकर के भारतीय टीम में वापसी करें।